भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव इन दिनों सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने एक लाइव वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जिसके बाद काफी बवाल हुआ। खेसारी ने इस क्लिप को शेयर करते हुए कहा, मैं हमेशा सिर्फ आपको इंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं रात दिन गर्मी सर्दी हर वक्त काम करता हूँ, मुझे काम करने दो। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने भोजपुरी भाषा के लिए कुछ नहीं किया है और कुछ नहीं कर पाऊंगा तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। इसके अलावा उन्होंने अपनी बेटी को लेकर भी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को क्या कहूंगा कि पिता की वजह से लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं। खेसारी लाल का ये वीडियो देख उनके फैंस का दिल टूट गया था। इस बीच भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए खेसारी लाल यादव को जमकर ट्रोल किया है। अब नेहा सिंह राठौर ने खेसारी लाल को लेकर क्या कहा है, ये जानने के लिए देखेंगे वीडियो। मैं आज एक बात करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे बात से किसी को फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्योंकि थोड़ा सा सोशल मीडिया वगैरह पे भी एक्टिव रहती हूँ, थोड़ा सा अपनी भोजपुरी को लेकर के मैं थोड़ी संवेदनशील रहती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, तो कुछ चीजें मेरे लिए एकदम बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। अभी हमारी भोजपुरी, आप लोगों को भी पता है, जो भोजपुरी के सो कॉल्ड सुपरस्टार लोग हैं, उन लोगों ने क्या कर रखा है, ये किसी से छुपा नहीं है, किसी को बताने की जरूरत भी नहीं। मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ, मैं यहाँ पे किसी से भोजपुरी बोल दूँ तो लोगों को लगता है कि अच्छा तुम भी उसी वहीं से आती हो टाइप की चीजें, तो बड़ा बताना पड़ता है कि नहीं हम उनसे अलग हैं, उनमें मत शामिल करिए हमको टाइप की चीजें। बताइए, अपनी भाषा को लेकर के दो तरह की चीजें बन चुकी हैं। तो मैं एक शिकायत लेकर के आई हूं, और मेरी शिकायत सिर्फ लड़कियों से है, मेरी शिकायत सिर्फ लड़कियों से है, उन लड़कियों से है जो भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो एक्टिंग करती हैं, चाहे वो डांसिंग करती हैं, चाहे वो सिंगिंग करती हैं, चाहे वो कुछ भी करती हैं। मेरा जो शिकायत है उन लड़कियों से भी है जो बिहार की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं, जो भोजपुरी समझती हैं। मैं आज क्यों लड़कियों से शिकायत कर रही हूं ये मैं आज आपको बताऊंगी। मेरा शिकायत लड़कियों से इसलिए है क्योंकि आजकल भोजपुरी में जो गाने बन रहे हैं, डिम्पलवा, कजलवा, कृतिया, मनीषवा, नेहवा, पुजवा टाइप लड़कियों के नाम लेकर के गाने बनते हैं, और यही लड़कियां उन्हीं अश्लील गायकों के साथ, सो कॉल्ड सुपरस्टार्स के साथ मंच पे कमर लचकाती हैं, और बाद में जब चीजें बड़ी और आगे बढ़ जाती हैं तो हे मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया। असली जिम्मेदार आप लड़कियां हैं। इन लोगों का मोराल ऐसे ही हाई नहीं है कि किसी का नाम लेकर के गा रहे हैं, ठीक है, और बात फिर कह देते हैं कि एक फलाना समाज, एक ढिमकाना समाज। अरे आपको भी पता है, आप ही लोगों ने गंद मचाना शुरू किया, हीरान बबुआन में पूरी भोजपुरी को बांट दिया, और इसके बाद रोना रोने चले आते हैं, ठीक है। बाद में लड़कियों की अभी कर लूं, इसके बाद मैं इन लोगों की भी मैं बात करूंगी। तो मैं कहना यह चाहती हूं कि आप लड़कियों ने इनका मन बढ़ाया है, इसकी वजह से ये लोग आए दिन किसी न किसी लड़की का नाम लेकर के नाच रहे हैं। आप होते कौन है, कोई भी होता कौन है किसी लड़की के का नाम लेकर के गाने वाला, चाहे वो डिम्पलवा हो, चाहे कजलवा हो, चाहे वो कृतिया हो, कोई भी हो। और दूसरी चीज इसमें घुसा देते हैं जाति का एंगल, के राजपूत समाज तो यादव समाज, कोई भी लड़की सबसे पहले वो लड़की है, इसके बाद वो राजपूत है, बाभन है, भूमिहार है, यादव है, कुछ भी है, सबसे पहले वो लड़की है। और हम लड़कियों को एकजुट होकर के इन लोगों का विरोध करना होगा। मुझे नहीं पता यार आप लोगों का खून क्यों नहीं खोल उठता है। मुझे पता है मेरे एक के करने से कुछ नहीं होगा, पर फिर भी मेरा तो भैया बहुत, मेरे गुस्से का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, मुझे पता है कि मैं ज्यादा गुस्सा करूंगी तो थोड़ा जुबान है फिसल जाएगा, वो मैं बड़ा कंट्रोल करके यहाँ पे बैठी हुई हूँ। अदरवाइज मुझे इतना गुस्सा है इन लड़कियों से, मैं इतना गुस्सा हूँ इन गायकों से, मैं बहुत गुस्सा हूँ, पर क्या करिएगा, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ सिवाय खिसियाने के। तो जब तक आप लड़कियां मंचों पे इन लोगों के साथ नाचेंगी तब तक आप लोगों का नाम लिया जाता रहेगा, ठीक है। और एक बात मुझे जो कहनी है, नाम मैं किसी का नहीं लूंगी, बात आप लोग भी समझते हैं,
एक जने आते हैं तो ये कहने लगते हैं कि देखिए मैं तो अब एक पिता हूं, पिता होने का हवाला दे करके बचना चाहते हैं चीजों से। और फिर राजपूत समाज, यादव समाज, सबसे पहली चीज कि आपने जो बोया है ना भैया, आप वही काटेंगे। और राजपूत समाज, आप, मुझे पता है यहां पर भी लोग आ जाएंगे जो यादव जी टाइप के लोग होंगे, क्योंकि मैं राजपूत हूं तो ये कह सकते हैं आप लोग, मुझे पता है, कहेंगे भी कि मैं भी राजपूत और बाभन और भूमिहार खेल रही हूं, कह सकते हैं। पर कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सच को सच और गलत को गलत मैं जरूर कहूंगी, ठीक है। आप कहते हैं कि आप एक पिता हो चुके हैं और आपकी बेटी के लिए इस तरह के गंदी गंदे गीत गाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। भैया आप एक बात बताइए, शुरुआत किसने किया? आप ही ने शुरुआत किया है ना। दूसरी चीज, जब आप पिता बन चुके हैं तो आपके अंदर थोड़ी सी गंभीरता तो अब आ ही जानी चाहिए कि आपकी बिटिया बड़ी हो चुकी है, वो मंच पे देखती होगी कि उसके उसका बाप कैसे गंदे गानों पे नाच रहा है, लड़कियों का नाम ले लेकर के नाच रहा है, तो वो कैसा क्या सोचती होगी आपके बारे में, उसके मन में अपने बाप के प्रति क्या छवि बनती होगी कि मेरा बाप एक अश्लील टाइप का गायक है, गंदी गंदी हरकतें करता है लड़कियों के साथ, यही बनती होगी ना। तो जब आप एक पिता हो गए हैं तो थोड़ी गंभीरता आप अपने अंदर लाइए। एक टाइम था जब आप लड़के थे, लड़कपन में, पैसे की भूख में देश भर का गंदा गाना गाया, पूरी भोजपुरी को इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक गंदे तरीके से रिप्रेजेंट किया। लेकिन आज जब आपके घर बीवी हैं, बच्चे हैं, बिटिया आपकी बड़ी हो रही है, तो भैया पिता बन गए, तो थोड़ी गंभीरता तो लाइए कि अब ये गाना छोड़िए, है ना। तो ऐसे नहीं होगा कि आप डिम्पलवा कजलवा को गाएंगे तो कृतियां छूट जाएगी, नहीं छूट पाएगी भैया। मैं नहीं किसी को कुछ बोलूंगी, लेकिन लोग ऐसे ही हैं, है ना। एक्शन का रिएक्शन तो मिलेगा। और बात यहां पे राजपूत यादव खेलने से नहीं होगा मेरे भाई, लड़की लड़की सबसे पहले लड़की की जात एक लड़की है ना, लड़की सबसे पहले वो एक लड़की है, ना कि वो राजपूत है, यादव है और फलाना ढिमकाना कास्ट की है, सबसे पहले वो एक लड़की है। और कोई भी गंदा गायक होता कौन है किसी लड़की का नाम लेने वाला, बेहुदा होता कौन है किसी लड़की के देह दशा पे कमेंट करने वाला कोई हरामी होता कौन है भाई, किसने अधिकार दिया है तुम लोगों को, क्योंकि लड़कियां कमजोर हैं। और आप लोगों को क्या लगता है, मैं लड़कियों की बात कर रही हूं, आप लोगों को जब मंच पे नाच रही होती है, कमर हिला रही होती है, तो यही छिछोरे लड़के, सो कॉल्ड ऑडियंस जो है, हूट करती है, चीयर करती है आप लोगों को, तो लगता है हाय हमें तो बहुत बात है, कितने तो लड़के हम पे फिदा हैं। जरा उन लड़कों से पूछिएगा कि ब्याह करोगे हमसे, बड़ा पसंद करता है ना वो लोग आपको, कहेंगे नहीं तुम नचनिया हो, तुमसे ब्याह कोई नहीं करेगा, नचनिया तो मैं बड़ा ही साफ सुथरा वर्ड ले रही हूं नाम, इससे भी गंदे गंदे नाम लेकर के आपको यही लड़के, यही ऑडियंस बोलती है। कभी पूछिएगा कि हमसे ब्याह कर पाइएगा आप, नाच तो बढ़ा रहे हैं हमारे गानों पे, बड़ा लग रहा है कि पसंद कर रहे हैं हमें, तो कहेंगे नहीं हमको तो एक सभ्य संस्कारी लड़की चाहिए, आप लोग तो नचनिया टाइप की लड़कियां हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। मैं मानती हूं कि ये जो गंदे गायक हैं, लेखक हैं, इनकी गलती तो है ही, इसके साथ हम लड़कियां खुद जिम्मेदार हैं। अरे यार इतना गंद फैला रखा है लोगों ने और आप लोग एकदम हाथ ऐसे चुप, ये आप लोग अपने साथ गलत कर रही हैं। अगर आप लोगों ने, आप लड़कियों ने, डिम्पलवा कजलवा और कृतिया टाइप की लड़कियों ने आवाज आज नहीं उठाई, तो कल को भैया और भी बुरे दिन आपको देखने पड़ेंगे। आप लोगों का जमीर कैसे सो गया है यार, खून नहीं खोल उठता है। 2015 में मैं एक बात बता रही हूं आप लोगों को, नेहवा, पूजवा, कजलवा, डिम्पलवा टाइप का नाम बड़ा कॉमन नाम है अपने बिहार में, इनके नाम से आए दिन गाने बनते रहते हैं। 2015 में नेहवा टाइप एक गाना बंद, नेहवा, पुजवा, नचाई, इनका मतलब ही है बस। अरे भैया लड़कियां केवल नाचने के लिए नहीं, मैं उन लड़कियों से भी कहना चाहती हूं जो सिर्फ अपने आप को एक नाचने का मशीन समझ बैठी है कि भैया हम लड़की हैं तो हम केवल नाच, टैलेंट के नाम पे क्या भैया हम दाढ़ी हिलाते हैं मंच पे और तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई है यार कि सब कुछ बेच करके आपको नाचना है। नाचना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बिहार के मंचों पे यार नहीं समझती हैं आप लोग, या फिर कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप समझ करके भी नजरअंदाज कर रही हैं, बहुत गलत कर रही हैं आप लोग अपने साथ। और दूसरी चीज एक और कि भोजपुरी में बड़ा चलता है, और इन्हीं लोगों ने, इन्हीं गंदे गायकों ने आज जो बिलबिला रहे हैं ना, जो रो रहे हैं ना कि हमारी बेटी, हमारी बेटी,
अरे भैया शुरुआत आपने किया है, और वो है ना राहत इंदौरी साहब का, लगेगी आग तो बड़ी दूर तलक जाएगी, यहाँ सिर्फ हमारा मकान तो यहाँ डिम्पलवा कजलवा का ही मकान नहीं, यहाँ कृतिया का भी मकान है, और जलेगा तो कृतिया का भी मकान, ठीक है। तो अपने गाते टाइम तो खुद खूब खूब मजा आ रहा था, खूब बहिर बबुआन ढिमकान फलान कर रहे थे, है ना। अब मत बिलबिलाइए आप लोग, जो बोएंगे वो आप जरूर काटेंगे, आप नहीं काटेंगे तो आपकी अगली पीढ़ी काटेगी। बोएंगे अगर कांटा तो चुभेगा जरूर एक दिन, आपको नहीं चुभेगा तो आपके बच्चों को चुभेगा, और चुभ रहा है। मुझे माफ करिएगा, मुझे पता है कि यहां पर आएंगे आप लोग ये भी करने, क्योंकि मैं राजपूत हूं इसलिए आएगा एक समाज ये कहने, हाँ खेल रही हो तुम भी राजपूत और यादव बबुआन अहिरान। नहीं, मैं राजपूत अहिरान नहीं खेल रही हूं, मैं क्योंकि एक लड़की हूं और मुझे किसी भी डिम्पलवा कजलवा और कृतिया के प्रति बेहुदगी बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं, मेरा नाम नेहा है, क्योंकि मैं एक लड़की हूं और मैं सबसे पहले अपनी जाति लड़की मानती हूं, इसके बाद मैं क्षत्रिय होंगी जो भी होंगी, है ना। तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं है, और मैं आप लड़कियों से चाहती हूं कि मंच पर कब, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को मुझे मौका नहीं मिलता है मंच पर जाने का, नहीं तो मैं चार जुत्ता मारने का काम करती इन सुपरस्टार लोगों को, और आप लोगों को मौका मिलता है तो जाकर के कमर हिला रही हैं आप लोग, कभी हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाई है, चार जुत्ता, सिर्फ चार जुत्ता मारने का काम करिए, इन लोगों का अकड़ ठिकाने आ जाएगा, ठीक है। लेकिन नहीं, आप लोगों को मौका मिलता है फलाने सुपरस्टार के साथ नाच के आए हैं, टैलेंट के नाम पे और कुछ नहीं है, और कितना गंदा नाचती है ना ये भी हमको पता है, सीखा है कभी आपने? नहीं, कुछ भी बस चल दिए हैं दो चार स्टेप, इनको पता है कि इनके देह में बस दो चार चीजें हैं जिनकी वजह से ये बड़ी फेमस हुए जा रही हैं, टैलेंट के नाम पे बस कमर हिला देना है इनको, तो बनेगा डिम्पलवा कजलवा कृतिया बनेगा। आप लड़कियां अगर अपने मान सम्मान का ख्याल नहीं रखेंगी, ये मर्द है यार, मैं बहुत नहीं बोलना चाहूंगी, बुरा लग जाएगा बहुतों को, लेकिन अगर आप नहीं सोचेंगी, आप नहीं समझेंगी ना, छोड़ेंगे नहीं, ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं, देख रहे हो ना भोजपुरी में किस तरह का, अरे बाप मैं तो बोलना नहीं चाहती हूं, मैं इस पे भी मैं नहीं बोलना चाहती थी, क्योंकि इसमें बोलने पे भी लगता है कि हम ही गंदे हो जाएंगे, ये इतने गंदे लोग हैं कि इनके बारे में बोलने से भी आदमी गंदा हो जाए, मैं बहुत बचना चाहती हूं, लेकिन क्योंकि मैं भी भोजपुरी के लिए काम कर रही हूं और मेरी आवाज लोग सुन रहे हैं, तो मैं समझती हूं कि नहीं यार ये मेरी जिम्मेदारी है, ये तो जिम्मेदारियों से भागने वाला काम हो गया, अगर चार लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो मुझे ये बात जरूर बोलना चाहिए, है ना। तो बाकी और कुछ नहीं, मेरा दिमाग बहुत, मैं दो तीन दिनों से यही एकदम, फेसबुक खोलो तो यही, यूट्यूब खोलो तो यही, अहिरान बबुआन, और इन लड़कियों को भी बड़ा मजा आ रहा है, बाबू साहेब का बेटा हूं तो यादव साहेब का बेटा हूं तो पांडे जी का बेटा हूं, और तो कुछ रह नहीं गया है, करिए, बहुत सही कर रहे हैं आप लोग भी, और आप लोग तो खैर महान है, आप लड़कियां सुधर जाइए, नहीं आने वाला दिन अभी जो होगा वो सोचा भी नहीं होगा, नाचिए बहुत बढ़िया नाच रही हैं, नाचते रहिए, धन्यवाद।